अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। एग्रीगेट्स के जो 11 पार्ट्स हैं वो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में आपको कंप्लीट समझा दूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्रीगेट्स के बारे में जो हम पढ़ेंगे उसकी क्लासिफिकेशन। ठीक हो गया, क्लासिफिकेशन में क्या क्या है? क्लासिफिकेशन में एक होता है फाइन एग्रीगेट्स और दूसरा होता है कोर्स एग्रीगेट्स। फाइन एग्रीगेट्स को हम अपनी जबान में इसको रेत भी कह सकते हैं या पत्थर का खाका, जो हम क्रश मशीन होता है उसके स्टोन का जो डस्ट हासिल होता है उनको भी हम फाइन एग्रीगेट्स कहा जाता है। फाइन एग्रीगेट्स की डिफिनीशन बेसिकली क्या होती है या उसकी पहचान क्या होती है? फाइन एग्रीगेट्स का जो साइज़ होता है वो 4.75 मिलीमीटर होता है या 4.75 मिलीमीटर से कम साइज़ के होते हैं, ये इसकी पहचान है, ये या इससे कम। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल रेत ले लो या पत्थर का खाका, ये इसकी सिंपल डिफिनेशन है। क्लियर कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। अच्छा, ये हो गया फाइन एग्रीगेट्स। अब आते हैं कोर्स एग्रीगेट की तरफ। कोर्स एग्रीगेट का साइज़ जो है मोर देन 4.75 मिलीमीटर, यानी 4.75 मिलीमीटर से जिसका साइज़ ज़्यादा होगा वो कोर्स एग्रीगेट होगा, या अगर 4.75 मिलीमीटर होगा तो फाइन एग्रीगेट होगा। 4.57 से ज़्यादा होगा तो वो कोर्स एग्रीगेट होगा, या 75 मिलीमीटर से साइज़ कम हो, 75 मिलीमीटर से साइज़ कम हो तो उसको हम कोर्स एग्रीगेट्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? पत्थर की रोड़ी, जो हम पत्थर इस्तेमाल करते हैं, पत्थर की रोड़ी, और इसके बाद ग्रेवल या ईंटों की रोड़ी। ईंटों के जो टुकड़े बच जाते हैं उसको भी हम अपने अल्फाजों में इंजीनियरिंग लॉ से कोर्स एग्रीगेट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया क्लासिफिकेशन, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है सोर्सेज, यानी ज़राए, कहाँ कहाँ से हमें इनके सोर्सेस ये वो कर सकते हैं। तमाम एग्रीगेट्स कुदरती तौर पर दरियाओं के पैंदे, ये दरियाओं के जो किनारे होते हैं, या चट्टानों से ये बनते हैं। ठीक हो गया, पहाड़ों से जो हम पत्थर, चट्टानें मुख्तलिफ किस्म की होती है और जिन चट्टानों से ये एग्रीगेट हासिल की जाती हैं उनमें से इसकी खासियत पाई जाती है। ग्रेनाइट और चूने के पत्थर को रोड़ी बनाने के लिए, ये जो ग्रेनाइट होता है या चूने के पत्थर की रोड़ी बनाने के लिए बेहतर तस्वर किया जा सकता है। दरियाओं के जो किनारे आप अक्सर जो पत्थर पड़े होते हैं या चट्टानों से जो हम हासिल कर सकते हैं उनके वहाँ से हम वो ला के एग्रीगेट्स में वो क्रश प्लांट में डाल के वहाँ पे कोर्स एग्रीगेट उनसे बन सकता है। और इनका साइज़ के बारे में आपको बता दिया है, उनका साइज़ जो होता है 4.75 मिलीमीटर से ज़्यादा होता है या 75 मिलीमीटर से कम होता है। ठीक हो गया, ये सेकंड पार्ट है। अच्छा जी, थर्ड पे थर्ड पी क्या? इसका साइज, यानी इसका शेप। शेप में क्या क्या जाता है? मुख्तलिफ कंक्रीट के लिए मुख्तलिफ साइज़ की रोड़ी इस्तेमाल होती है। 3 इंच, ये साइज़ का 3 इंच तक रोड़ी को कंक्रीट में आसानी से हासिल की जा सकती है। एग्रीगेट्स अगर मोटी हो तो सीमेंट कम इस्तेमाल होता है, अगर 3 इंच से ज़्यादा मोटी हो तो सीमेंट कम इस्तेमाल होता है, पानी भी कम इस्तेमाल होता है। और इनकी साइज़ का इन्हिसार मुख्तलिफ, ये जो 4-5 पॉइंट्स हैं उनके पॉइंट्स पर होता है। नंबर एक, सेक्शन की मोटाई पर इसका असरअंदाज होता है। नंबर सेकेंड, सरिये का दरमियानी फासला, जब हम सरिया बांधते हैं तो उनका दरमियानी फासला और क्लियर कवर। ठीक हो गया, कंक्रीट और सरिये का जो क्लियर कवर होता है उन ये भी साइज़ के लिहाज से बहुत ज़्यादा
इनसार होता है, कंक्रीट, कंक्रीट को बनाना और उसको ले जाना, यानी कंक्रीट में जब हम मिक्सिंग करते हैं और उसको किसी जगह पर पहुंचा देते हैं, तो ये भी साइज के ज़िम्मे में आता है। आमतौर पर आरसीसी कंक्रीट में सरिये की स्पेसिंग से एग्रीगेट का साइज, आरसीसी कंक्रीट में सरिये का साइज स्पेसिंग से एग्रीगेट का साइज 3/4 गुना कम रखा जाता है, 3/4 गुना, यानी आरसीसी कंक्रीट में सरिये की स्पेसिंग जो है वो एग्रीगेट से, एग्रीगेट का साइज 3/4 गुना कम रखा जाता है। ठीक हो गया, अब आ जाते हैं 4 नंबर पे, शेप। शेप में क्या होता है, इनका जो ये शेप होता है, एग्रीगेट की शक्ल भी कंक्रीट की वर्केबिलिटी पर बहुत असर डालती है। एग्रीगेट मुख्तलिफ शक्ल के होते हैं, एक होता है गोल राउंडेड, एक होता है इरेगुलर, एक होता है एंगुलर, एक होता है लंबूतरे और एक होता है फ्लेकी चिपटे। हाँ, ये 5 किस्म की इनकी शेप होते हैं। सीमेंट की बचत के हिसाब से गोल पत्थर दूसरों की नस्बत बेहतर तस्वर की जाता है, यानी जो राउंडेड होता है सीमेंट की बचत की वजह से, लेकिन मजबूती और वर्केबिलिटी होने के सबब से जो एंगुलर एग्रीगेट, ये जवियाती एंगुलर सबसे बेहतर तस्वर की जाता है। सबसे कमज़ोर एग्रीगेट जो होता है वो शक्ल के लिहाज से चिपटे यानी फ्लेकी और लंबूतरे होते हैं, ये चिपटे और लंबूतरे होते हैं, ये सबसे कमज़ोर होते हैं। 5 नंबर पे आ जाते हैं टेक्सचर यानी साख्त। साख्त में क्या होता है, कुछ एग्रीगेट का सतह साफ चमकीली और कुछ की फीकी, बाज एग्रीगेट की सतह हमवार और बाज की भरभरी होती है, ये भी उन चट्टानों पर मुनसर होता है जिससे ये एग्रीगेट्स बनती है। एग्रीगेट की सतह जितनी रफ हो, यानी एग्रीगेट की सतह जितनी रफ हो यानी खुरखुरा हो, उसकी कंक्रीट उतनी ही मजबूत होती है। क्लियर हो गया, ये उस पर हो गया 5 पॉइंट। आ जाते हैं 6 में क्या है, सिक्स में इसकी आ जाती है मजबूती। एग्रीगेट की मजबूती से सिर्फ ये मुराद नहीं है कि जो चट्टान जितनी मजबूत होगी उससे बनी हुई एग्रीगेट से वो कंक्रीट भी उतनी मजबूत होगी, क्योंकि कंक्रीट तो चट्टान से बनी हुई छोटी रोड़ी और सीमेंट के दरमियान बांड पर मुनसर है, और ये बांड जितना मजबूत होगा उतना ही कंक्रीट मजबूत होगा, ये इसकी स्ट्रेंथ की डिफिनीशन है। ये अपने साथ नोट कर लें, ये आपको बहुत फायदा देगा। नंबर 7 पर आ जाते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, कसाफत इजाफी। कंक्रीट डिज़ाइन में एग्रीगेट्स की कसाफत इजाफी का कैलकुलेशन में इस्तेमाल होता है, इसलिए इसके मुतालिक हम मुकम्मल मालूमात हासिल होना चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली है क्या चीज़, रेशो ऑफ मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटीरियल टू द मास ऑफ सम वॉल्यूम ऑफ वाटर एट द स्टेट टेम्परेचर। ठीक हो गया, ये इसकी डिफिनीशन है स्पेसिफिक ग्रेविटी। 8 नंबर पे आ जाएं, मॉइस्चर कंटेंट, नमी की मकदार। कंक्रीट की शक्ल और वर्केबिलिटी के लिए एग्रीगेट्स की मॉइस्चर कंटेंट मालूम करना ज़रूरी है। कुछ एग्रीगेट में ज़्यादा मसाम यानी वॉइड्स होते हैं और वो ज़्यादा नमी जज़ब करते हैं जो अच्छे मयार तसव्वुर नहीं किए जाते। एग्रीगेट्स की नमी का मतलब एग्रीगेट की सतह के ऊपर नमी प्लस जज़ब शुदा नमी है, इसलिए इसका मालूम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्रीगेट्स और सीमेंट के दरमियान बांड पर मुनसर होता है। अगर हम बात करें 7 नंबर पे, 9th नंबर पे आ जाते हैं इसका बल्किंग इफेक्ट। ठीक हो गया, फैलना, और ये हो गया, और 10 नंबर पे है क्लीननेस। ये जो बल्किंग इफेक्ट होता है ये असर फाइन एग्रीगेट यानी रेत पर बहुत ज़्यादा होता है। इसमें रेत के ज़रात के ऊपर फ्री मॉइस्चर फिल्म बनती है जिसकी वजह से रेत के ज़रात एक दूसरे पर से हट जाने की कोशिश करता है और इनके ज़रात दरमियान रबता नहीं रहता, रबता कम हो जाते हैं, इस वजह से इनका हजम बढ़ जाता है। इसमें मौजूद नमी की मकदार पर मुनासर होता है और हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि नमी की ये मकदार बढ़ाने से एक ख़ास हद तक हजम बढ़ता है, जिसके बाद ज़्यादा नमी मकदार बढ़ाने से इसका हजम कम शुरू हो जाता है।
अच्छा 10 नंबर पे आ जाएं तो क्लीननेस, कंक्रीट के लिए एग्रीगेट साफ होना चाहिए। इसमें कंक्रीट के लिए मज़र अज्जा, मसलन चिकनी मिट्टी, नमियाती अज्जा, अल्कली, आयरन, पाइरेट्स, कोयला, माइका वगैरह नहीं होने चाहिए। ये चीज़ें कंक्रीट की मजबूती और पायदारी के लिए ख़तरनाक है। इसके अलावा आरसीसी कंक्रीट के लिए भी एग्रीगेट्स में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो लोहे के साथ अमल करें, और एग्रीगेट्स गैर हामिल होना चाहिए ताकि सीमेंट के साथ रिएक्ट ना हो। 11 पर आ जाएं, 11 पर है साउंडनेस, यानी इसकी सख्त सख्ती। ये एग्रीगेट्स की वो खासियत है जिसमें एग्रीगेट मुख्तलिफ मौसमी आलात, मसलन दर्ज हरारत, मुसलसल खुश्क या मुसलसल तर होना, और नमी पानी के खिलाफ मजामत करना। कमज़ोर एग्रीगेट्स, मसामदार और दूसरे गैर ज़रूरी मादे पर मुश्तमिल एग्रीगेट्स इन हालात में अपना हजम तब्दील करता है, और ऐसे एग्रीगेट अनसाउंड कहलाते हैं, और इनको चेक करने के लिए साउंडनेस टेस्ट किया जाता है। ठीक हो गया है। और 12 नंबर पे एक और भी था यार, 12 नंबर पे केमिकल प्रॉपर्टी यानी कीमियाई खसूसियात। 1940 में 1940 तक एग्रीगेट को गैर आमिल तसव्वुर किया जाता है, लेकिन इसके बाद मुख्तलिफ तजर्बात ने साबित कर दिया कि तमाम एग्रीगेट्स गैर आमिल नहीं। बाज़ एग्रीगेट्स में आमिल सलीका होते हैं जो सीमेंट में मौजूद अल्कली यानी सोडियम ऑक्साइड और पोटाशियम ऑक्साइड के साथ अमल करता है, जिसकी वजह से कंक्रीट फेल हो जाती है। पाकिस्तान में दरियाए जेहलम के एग्रीगेट्स रिएक्ट हैं, इससे कंक्रीट बनाने के लिए लो अल्कली सीमेंट इस्तेमाल करना चाहिए या फिर सीमेंट के साथ स्लैग इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया, ये इसके मुकम्मल पॉइंट्स हैं, ये आप अपने जहन में रखें, आपको बहुत फ़ायदा देगा।